हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारी बातें। आज की इस वीडियो में हम साइड बैग या क्रॉस बैग बनाना सीखेंगे, जो कि आप अपने किसी भी ओल्ड फैब्रिक के साथ भी इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये बैग हमने बनाया है। बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत यूजफुल है, जिसके लिए मैंने इस तरह के फैब्रिक्स लिए हैं। कॉटन का ये फैब्रिक है। ये मैं पॉकेट्स जो फ्रंट में बनेगा उसके लिए 22 सेंटीमीटर और 23 उसकी चौड़ाई है। इस मेजर का वन मेन फैब्रिक है, एक इंटरफेसिंग के लिए है और एक लाइनिंग का फैब्रिक है। तीनों सेम मेजरमेंट के कट किए हैं और ये मेन फैब्रिक है। 23 इसकी चौड़ाई है और लेंथ 27 है, जिसके लिए मैंने दो मेन फैब्रिक्स लिए हैं, दो इंटरफेसिंग कैनवास लिया है और दो लाइनिंग के लिए लिया है। सबका मेजर इक्वल है। इस तरह से मैंने इसके दो दो पीसेस कट किए हैं। इस बैग में टू जिप्स लगाएंगे, जो कि 23 सेंटीमीटर की है, और एक स्ट्रिप्स जो 4 सेंटीमीटर का है और लेंथ आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक था उसके बैक साइड पर मैंने ये इंटरफेसिंग कैनवास को इस तरह से प्लेस किया, आयरन किया और इसे मैं रेडी कर रही हूँ। और जो पॉकेट के लिए था उसमें भी सेम है, हमने इसे भी आयरन कर दिया है। और अब सबसे पहले हम पॉकेट के लिए जिप्स यहाँ पर अटैच करेंगे। फर्स्ट जिप को हम जहाँ पर 23 सेंटीमीटर की चौड़ाई ली थी उस साइड पर मैं इस तरह से पहले मेन फैब्रिक ले रही हूँ पॉकेट का, फिर जिप है और उसके ऊपर लाइनिंग है। इस तरह से इसे हम स्टिच कर लेंगे। अब जिप को अटैच करने के बाद इस तरह से दोनों फैब्रिक को साथ में लेकर आएंगे और एक उसके ऊपर हम प्रेस सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और एक सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी जिप के साइड में फैब्रिक अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और वो ओपन करने में भी कोई फैब्रिक वहाँ स्टिक ना हो। अब जो सेकेंड हमारा मेन फैब्रिक था उसके ऊपर इस तरह से मैंने पहले जिप को प्लेस किया और वो मार्क लगा लिया है, ताकि हम उसी मार्क के ऊपर इस जिप को फिक्स करेंगे। जिसके लिए मैंने ये देखिए, आपको मैं इस तरह से उसको चेंज कर देंगे और उल्टी साइड में हम इसे जिप को लगा देंगे। जहाँ पर भी थोड़ी जिप लगाने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसे थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, यहाँ नीडल्स भी टूटने के चांस होते हैं। मैंने यहाँ पर डबल स्टिच लगा दी है ताकि वो जिप का फैब्रिक अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और ये देखिए, हमारे फ्रंट पॉकेट की जिप यहाँ पर प्लेस हो गई और इसके तीनों साइड पर हम अभी यहाँ पर एक एक सिलाई लगा देंगे ताकि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए फैब्रिक। बहुत ही इजी है, आप इतने अच्छे सुंदर आराम से बैग घर पर ही बना सकते हैं। ये देखिए, फ्रंट पॉकेट रेडी है। और अब हमारे जो मेन ओपनिंग था वहाँ पर भी एक जिप को लगाएंगे। जैसे हमने पॉकेट के ऊपर प्लेस किया लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक, उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने अटैच कर दिया है इस तरह से। उसके ऊपर भी हम और एक सिलाई लगा देंगे। और अब हमारा जो सेकेंड फैब्रिक है उससे पहले यहाँ पर हम बेल्ट बना ले रहे हैं। इसको भी हमने डबल फोल्ड करके एक स्ट्रिप की तरह इसे रेडी कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पतला सा बेल्ट बना लिया है। और जो बैक का पार्ट था उसके ऊपर पहले मैं साइड साइड में 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रही हूँ, ताकि वहाँ से हमारी टोटल सिलाई आएगी और उस 1 सेंटीमीटर के जहाँ निशान लगाया वहीं से हम उसे बेल्ट को इस तरह से फिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसे फिक्स कीजिएगा। और उसी के ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको भी हम इस तरह से प्लेस करेंगे और जो लाइनिंग है वो भी इस तरह से लगा के उसे भी टर्न आउट कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी बैग के अंदर कोई भी सिलाई या एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह निकले हुए नहीं दिखेंगे। ये टोटल कवर सिलाई की तरह आपका बैग का फिनिशिंग लुक आएगा। और फिर उसको हम और एक वहाँ पर भी साइड स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमने उसके ऊपर भी एक स्टिच फिक्स कर ली है और ये हमारा बैग ऑलरेडी रेडी ही है। अब बस उसकी
मेन दो फैब्रिक को हमने एक साथ प्लेस किया और लाइनिंग को एक साथ प्लेस किया, और लाइनिंग में बीच में हमने थोड़ा सा पार्ट को रख दिया है, वहाँ पर स्टिच नहीं करेंगे, बाकी पूरे में हमें स्टिच लगा देनी है। पूरे एंड के साइड में इस तरह से हम स्टिच को लगा देंगे, और जहाँ पर जिप प्लेस की हुई है वहाँ थोड़ा ध्यान से स्टिच लगाइएगा। इस तरह से पूरे बैक को हमने स्टिच कर लिया है। मेरे इस चैनल में इस तरह के DIYs, रीयूज प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस तरह के कुछ मेरे वीडियोस देखकर कुछ स्टिच करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कैसा बना कमेंट बॉक्स पर। और ये हमारा फाइनल लुक रेडी है, उसके कॉर्नर को भी मैंने कट कर लिया है ताकि वो अच्छी तरह से स्क्वायर शेप टर्न आउट हो। ये देखिए इस तरह से अच्छे से कॉर्नर्स को मैंने निकाल लिए हैं। और अब जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था जहाँ पर हमने थोड़ी सी स्टिच रखी थी वहाँ पर हम इसे सील लेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये अच्छी तरह से स्टिच हो गया और लाइनिंग का फैब्रिक अंदर की तरफ डाल देंगे। ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा बैग रेडी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आप भी इस तरह के मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं इजीली। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका ये बैग कैसे बनकर रेडी हुआ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट कीजिए कि अगर आप भी इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट ट्राई करते हैं तो वो कैसे बनकर रेडी होता है। और बनी रहिए मेरे इस चैनल के साथ, आगे और नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। आप भी वीडियो देखिए और उसे बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।